इसका रिंग है, रिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। व्हाट अ पीस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। सो एज यू नो फ्रॉम द टाइटल कि आज का वीडियो होने वाला है मीशो ज्वेलरी हॉल। जी हाँ, एंड मैं बहुत लंबे समय के बाद कोई प्रॉपर ज्वेलरी हॉल शेयर कर रही हूँ, वो भी मीशो से। एंड मीशो पे ना बहुत ही कम प्राइस में ज्वेलरी मिल जाती है एंड काफी अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है। सो इसलिए मैं ना मोस्टली ना ज्वेलरीज मीशो से ही परचेज करती हूँ। सो अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो आप उन फेस्टिवल्स में ये ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं। सो इसमें मैंने चोकर सेट इंक्लूड किया है, इयररिंग्स किए हैं, नोज रिंग करी, तो काफी सारे ऑप्शंस होने वाले हैं आपके लिए। एंड सो जितने भी मैं आपको इस वीडियो में आइटम दिखाऊंगी, सबके लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली शेयर करना बिल्कुल ही मत भूले। एंड डू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम आईडी @vishakhavarma67। सो विदाउट फर्दर डिस्कशन, लेट्स जंप टू द वीडियो। सो जो मेरा फर्स्ट परचेज है, ये है कंप्लीट नेक का सेट। सो ये कुछ इस तरीके से है, काफी अच्छा फाइन वर्क किया है, आप देख सकते हैं मोर का, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। कलर्स एंड ऑल भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, कुछ इस तरीके से आएगा, बिल्कुल चिपका हुआ इस टाइप का। एंड नीचे ये जो डिटेलिंग दी गई है ना, ये अगेन ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड ये जो व्हाइट मोती है इसमें, इनकी भी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। पीछे आपको टाई करने के लिए दिया गया है, सो ये नेक का है। एंड आपको साइड में ट्रायन दिख रहा होगा कि वेयर करने के बाद ये कैसा लग रहा है, एंड प्राइसेस आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे। सो ये इसका नेक का है, ये इसके इयररिंग्स है, सेम देख सकते हैं। आप सिंगल इयररिंग्स भी वेयर कर सकते हैं, काफी अच्छा लगता है वेयर करने के बाद। इवन आप सिंगल चोकर सेट भी वेयर कर सकते हैं। सो बहुत ही ज्यादा अच्छा फिनिशिंग इसका है, एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे वेयर करने के बाद। एंड ये इसका रिंग है, रिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। एंड यू कैन सी, मैं आपको उस पर पैर वेयर करके देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक आ रहा है। एंड मटेरियल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सो दिस इज माय फर्स्ट परचेज फ्रॉम मीशो। सो जो मेरा नेक्स्ट परचेज है, वो भी कंप्लीट चोकर सेट है, तो ये कुछ इस तरीके का है, रेड कलर में। बहुत सारे इसमें कलर्स आपको मिल जाएंगे, एंड इसमें बीच पे ये मोर बना हुआ है, काफी ज्यादा अच्छा है। बट इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये व्हाइट बीट्स है, ये सारे कुछ समय में ब्लैक पड़ जाएंगे। एंड ये कुछ इस तरीके का है, वेयर करने के बाद तो काफी ज्यादा अच्छा आ रहा था। आप किसी भी ड्रेस के साथ इसको वेयर कर सकते हैं, इंडियन लुक के साथ या किसी भी साड़ी के साथ। सो इसका नेक पीस है, बट मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, सो आई थिंक मैं इसको रिटर्न करूंगी। सो ये है इसका नेक का पीस। सो ये है इनके इयररिंग्स, एंड सेम जैसा चोकर पे वर्क किया गया था, सेम वैसे ही इयररिंग्स पे भी वर्क किया गया, आप देख सकते हैं। बट मुझे बहुत ज्यादा वाव नहीं लगा वेयर करने के बाद, हालांकि अच्छा लग रहा था, बट क्वालिटी और ऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो दिस इज द नेक्स्ट परचेज। नेक्स्ट जो मेरा आइटम है वो है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी सेट, एंड ये कुछ इस तरीके का है। यू कैन सी द वर्क, इसमें जो घुंघरू यूज किए गए वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। वेयर करने के बाद तो ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लुक एट दिस, वाओ। इसमें आपको दो से तीन और डिजाइन मिल जाएगी, बट मुझे ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगी। बैक में ये इस तरीके से टाई करने के लिए दिया गया है, क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही लाइट वेटेड है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, डेफिनेटली मैं तो इसको रखने वाली हूँ। एंड सो ये कंप्लीट सेट है, तो उसके साथ मुझे इयररिंग्स भी मिले हैं, एंड सेम इयररिंग्स भी आप देख सकते हैं, बहुत ही लाइट वेटेड है। अगेन आप सिंगल इयररिंग्स भी वेयर कर सकते हैं, सिंगल चोकर भी वेयर कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अच्छा। सो दिस इज माय नेक्स्ट परचेज। सो इस बार ना मैंने काफी सारी नोज रिंग परचेज करी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था नोज में कुछ वेयर करने का। सो ये कुछ इस तरीके से है, आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा, अच्छा उसमें वर्क किया गया, बहुत ही अच्छे से जो स्टोन्स होते हैं उनका वर्क किया गया है। यू कैन सी नीचे इस तरीके से लटकने वाला दिया गया है, एंड आपको इसको दबाने के लिए दिया गया है, एंड आपको इस तरीके से उसको ओपन करना है, एंड अपनी नोज में इस तरीके से फिट करके, यू कैन सी, वाओ व्हाट अ पीस,
बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप इस तरीके से वेयर करना चाहते हैं तो ऐसे भी वेयर कर सकते हैं और आप यहाँ पे भी वेयर कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास लटकन टाइप का है तो आप लटकन से इस तरीके से करके भी वेयर कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, बट मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही। आपको कैसी लगी मेरे पर नीचे कमेंट करेगा। एंड ये नोज रिंग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी है। एंड ये पूरी ओपन हो जाती है सरके से, क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड फिनिशिंग एंड ऑल बहुत ही ज्यादा अच्छी, बहुत ही लाइट वेटेड है। सो दिस इज माय नेक्स्ट परचेज। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने इसका काफी सारी नोज रिंग परचेज करी, तो ये है नेक्स्ट नोज रिंग। ये मराठी लुक मुझे करना था तो उसके लिए मैंने इसको परचेज करी, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसमें जो डिजाइन की गई है ना, इस पे जो लिखा गया है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसमें बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। ये जो यहाँ पे फूल टाइप का बना हुआ, ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है नोज पे आने के बाद, तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा आई थिंक, क्योंकि मैंने इसको ओपन नहीं किया है। कैसे वेयर करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो देखते हैं कैसे इसको वेयर करेंगे। प्राइसेस आपको स्क्रीन में मेंशन हो जाएंगे, डिजाइन्स बहुत सारे हैं इसमें, बट क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, बहुत ही फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी, बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है। दिस इज माय नेक्स्ट परचेज। सो जो मेरा नेक्स्ट परचेज है, सो ये है पर्ल्स इयररिंग, काफी ज्यादा ट्रेंड में है। आप इसको डिफरेंट तरीके से गेटअप कर सकते हैं, चाहे इंडियन आउटफिट हो चाहे वेस्टर्न आउटफिट हो, किसी के साथ भी जाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा। एंड सबसे अच्छी बात है इसका कलर व्हाइट है, एंड व्हाइट कलर में ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था वेयर करने के बाद, जीन्स के साथ, सूट के साथ एंड किसी भी चीज के साथ आप वेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, इस तरीके से आप ओपन करेंगे एंड ये आपको दिया है एंड इस तरीके से आप इसको वेयर कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था वेयर करने में, बहुत लाइट वेटेड है। अगेन इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, तो दिस इज माय नेक्स्ट परचेज। सो जो मेरा नेक्स्ट परचेज है, ये है पैक ऑफ 10 नोज पिन। एंड काफी लंबे समय से मुझे नोज पिन चाहिए थी, मैं सोची थी पता नहीं कैसी क्वालिटी होगी, बट सरप्राइजली क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। बहुत सारी आपको डिजाइन मिल जाएगा, पहला ये डिजाइन है एंड नेक्स्ट ये डिजाइन है। सबसे अच्छा मुझे डिजाइन लगा त्रिशूल का, देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा डिजाइन है। सो बहुत सारे डिजाइन है, आपको जो पिक्चर है वो स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। एंड वेयर करने के बाद तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, मैं आपको एक वेयर करके भी दिखा देती हूँ। एंड क्वालिटी इज अमेजिंग, फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ये देख सकते हैं कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। आप हर गेटअप के साथ अलग अलग नोज पिन को वेयर करके फ्लॉन्ट कर सकते हैं। सो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, आजकल ना नोज पिन का बहुत ज्यादा ट्रेंड भी है। सो दिस इज माई नेक्स्ट परचेज। सो जो मेरा लास्ट परचेज है मीशो से, ये है स्प्रिंग बैंगल्स। एंड आपको पता होगा कितना ज्यादा इंटरनेट पे ना ये बैंगल्स ट्रेंड में थी, वायरल था कितना ज्यादा ये प्रोडक्ट, तो मैंने कहा इसको ट्राई तो करना बनता है। एंड लिटरली बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी में मुझे प्रोडक्ट रिसीव है। इसमें आपको दो कलर्स मिल जाएंगे, मैं एक और मंगवाऊंगी, अगर आप चाहें तो दोनों मंगा सकते हैं। फिनिशिंग क्वालिटी अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा था वेयर करने के बाद। एंड इवन आप इसको डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते, डिफरेंट आउटफिट के साथ वेयर कर सकते, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। सो दिस इज माई लास्ट परचेज फ्रॉम मीशो। एंड जितने भी प्रोडक्ट दिखाए सबके आपको प्राइस स्क्रीन में मेंशन हो जाएंगे। सो गाइज कैसा लगा आपको ये मीशो हॉल, नीचे अपने कमेंट जरूर मेंशन करेगा। ये भी बताएगा कि जितने मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए सब में आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।